खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले में धान का उपार्जन 28 नवंबर से शुरू होगा। अवैध तरीके से धान उपार्जन का प्रयास करते हुए त्योथर तहसील के ग्राम गाडरपुरवा में मानिकलाल केवट और कृष्ण कुमार केवट के घर धान भंडारण की सूचना कलेक्टर मनोज पुष्प को उनके मोबाइल नंबर पर दी गई। कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार त्योथर ओपी सोनी एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम पंकज ओरसे ने चौकी प्रभारी सोनौरी के साथ कुल 540 बोरी धान जब्त की। इसकी कुल कीमत 4,11,884 रुपए है। यह धान प्लास्टिक की बोरियों में हाथ से सिलकर रखी हुई थी। धान के संबंध में जब्त किसानों से उपार्जन के पंजीयन, ऋण पुस्तिका एवं धान बोने के संबंध में रिकॉर्ड मांगे गए तो दोनों व्यक्ति कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके। पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। मानिकलाल केवट और कृष्ण कुमार केवट के घर से प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से सोनौरी खरीदी केंद्र में उपार्जित करने का प्रयास पाया गया। प्रशासन की टीम ने कुल 216 क्विंटल 60 किलोग्राम धान जब्त कर सहकारी समिति प्रबंधक सोनौरी को सौंपी है। प्रकरण का प्रतिवेदन कलेक्टर श्री पुष्प को सौंपा गया है, जिसके अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।